नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या और मेरे साथ हैं ओम ऋतिक सौरभ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। वैसे तो मुंबई इंडियंस इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। टीम अब तक अपने सभी 8 में से 8 मैच हार चुकी है, लेकिन ब्रांड वैल्यू में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई इंडियंस टॉप कर रही है। मुंबई इंडियंस इस समय सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू के साथ फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पर है। तो यही वजह हम सभी यहां चारों मिलकर आपके साथ एक डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि इस बार सीजन में सबसे नीचे होने के बावजूद भी मुंबई की जो ब्रांड वैल्यू है वो सबसे ऊपर है। तो ऋतिक, शुरुआत करते हैं इन्हीं सब चीजों से कि एक जो ब्रांड की वैल्यू, ब्रांड का अगर मतलब समझे तो एक होता है कि ब्रांड को अपने आप बनने में ही काफी वक्त लगता है। मुंबई इंडियंस वो टीम है जो पहले सीजन से ही अपना लोहा मनवाती रही है, हमेशा से ही उसके साथ बड़े नाम जुड़े रहे हैं। आप चाहे सचिन तेंदुलकर की बात कर लें जो अभी तक जुड़े हुए हैं, रोहित शर्मा की पॉन्टिंग है, रोहित शर्मा है, वहां पे हम देखते हैं कि मुंबई इंडियंस एक लगता है कि 5 सीजन भी जीत चुकी है। तो एक क्लियर वैल्यू है, एक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्यों, अगर मुंबई इंडियंस टॉप पे है एक ब्रांड वैल्यू के कॉन्सेप्ट में सबसे ऊपर है तो क्यों है। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस खुद में एक ब्रांड है। बात करें अगर चेन्नई और मुंबई की तो दोनों ही आप खुद में एक ब्रांड है। उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, मुंबई में बच्चा बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, उनको और कोई खेल ज्यादा पसंद ही नहीं है। वहीं अगर बात करें अभी फिलहाल मुंबई की तो अब 5 टाइटल वैसे ही जीत चुकी है। और अब ये जो ब्रांड वैल्यू एक जब डिसाइड होती है, जब फोर्ब्स ये सब डिसाइड करता है तो एक सीजन के उस पर नहीं करता, तो जो ओवरऑल रहा है पूरा टोटल 2009 से लेकर अब तक उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़े नाम जैसे कि आपने कहा सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, रोहित शर्मा खुद 5 टाइटल जितवा चुके हैं, तो ये सब की वजह से ऐसा है कि फैन फॉलोइंग की वजह से उनकी इसी वजह से मुंबई इंडियंस पहले स्थान पर है। और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के साथ साथ इनके बाद दूसरे नंबर पर आती है चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल की दूसरी सबसे सफल टीम है चेन्नई सुपर किंग्स और 4 टाइटल्स एक तरफ, दूसरी तरफ 5 टाइटल्स। इसी वजह से क्या नहीं लगता है कि इस फोर्ब्स की लिस्ट में पहले और दूसरे स्थान पर, क्योंकि मुंबई की अगर इवैल्यूएशन देखें तो लगभग लगभग 9,000 करोड़ के आसपास आती है, कोई कम राशि नहीं है ये। बिल्कुल, और एक चीज और मैं कहूँ कि चेन्नई और मुंबई को हम पहले यहाँ पे पहले दूसरे स्थान पे देखते हैं तो हमें भी किसी कुछ हैरानी नहीं हुई। सबसे सफल आईपीएल टीम्स है। और अगर आप तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे आती है केकेआर, तो ये जो टॉप 3 टीम्स है ये आईपीएल सबसे सबसे सक्सेसफुल टॉप 3 टीम्स है। मुंबई इंडियंस 5 टाइटल, फिर सीएसके 4 टाइटल और केकेआर फिर 2 टाइटल। और केकेआर के साथ तीसरे नंबर पे होना सबसे बड़ी बात है शाहरुख खान का। जब शाहरुख खान अगर आपके साथ एक नाम जुड़ जाता है आपकी टीम के साथ कि शाहरुख खान की टीम, तो वो खुद ही एक ब्रांड हो जाती है। वही मोम आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, केकेआर इस सीजन में हम देखे तो केकेआर का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है जैसा 2-3 पिछले सीजन में देखे हम, लेकिन उसके बावजूद जो आपने शाहरुख खान की बात की तो बिल्कुल उन्हीं के चलते ही ये जो आप देख रहे हैं पोजीशन केकेआर की तीसरे नंबर पर आ रही है। बिल्कुल, और अगर हम देखें दूसरे नंबर पर चेन्नई है, क्योंकि ये भी कोई जैसा कि ओम ने कहा कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा ब्रांड ही है उनके टीम में महेंद्र सिंह धोनी। सबसे पहली चीज तो वही आती है क्योंकि धोनी की चेन्नई में इतनी फैन फॉलोइंग है कि आप देखिए जब वो, अब इनका प्रैक्टिस मैच भी होता है जब, तो 15-15 हज़ार के इनके स्टेडियम में देखने आ जाते हैं लोग। और वही बात करें तो खैर इन्होंने अपनी बहुत बढ़िया, एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपनी नेटवर्किंग करी हुई है, उसकी वजह से भी जो फैन से जो कनेक्ट किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, आई डोंट थिंक कि कोई और फ्रेंचाइजी इतना कनेक्ट कर पाती है। बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल वही जो फैन से कनेक्ट करने वाली बात है वहां से भी एक जो ब्रांड वैल्यू बन के आती है, और फिर जो इन्वेस्टर्स आते हैं फिर, क्योंकि अगर कोई टीम है अगर वो फैंस के साथ कनेक्ट कर पा रही है तो फिर इन्वेस्टर्स भी आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को एट द एंड उन्हें वही चाहिए, एक ऐसा ब्रांड चाहिए जो लोगों तक आपको पहुंचा सके, आपके अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचा और सके। साथ में इन्वेस्टर्स को एक भी चीज चाहिए, जो एक इंसान, एक क्रिकेटर आखिरी बॉल तक खड़ा रहे और आखिरी बॉल तक मैच जिताने की आपको होप दे और आखिरी में मैच जिता जाए, तो इन्वेस्टर्स को इससे अच्छा और क्या चाहिए होगा। तो चलिए, ये तो हमने टॉप 3 टीमों की बात कर दी जहाँ पे पहले पे मुंबई आ रही है, सीएसके आ रही है, केकेआर आ रही है, लेकिन इस बार जो चौथा नाम है वो इस बार पहली बार आ रहा है, लखनऊ सुपर जायंट्स का। लखनऊ सुपर जायंट्स चौंकाता हुआ, हाँ बिल्कुल, इसने चौंका रखा है। लखनऊ का चौथे स्थान पर होना, जो इतनी सबसे हैरानी बात हुई कि आरसीबी को भी इसने पीछे छोड़ा। आरसीबी जो इतनी फेमस टीम है और इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, उनके पास विराट कोहली जैसा नाम है जो पहले सीजन से साथ जुड़ा हुआ है इस फ्रेंचाइजी के, उसके बावजूद जो लखनऊ का जो उछाल रहा है सीधे चौथे स्थान पे, ये काफी हैरानी वाली बात है। और एक बार लखनऊ के साथ साथ एक और जो नई टीम आई है गुजरात टाइटंस, दोनों टीमें नई है, लेकिन क्या फर्क आ जा रहा है कि एक टीम चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है ब्रांड वैल्यू के मामले में, जबकि एक अभी शुरुआत ही कर रही है।
वही बात आती है कि देखिए गुजरात टाइटंस में खाली एक ही जो नाम है फेमस, आप देखिए हार्दिक पांड्या है, उसके बाद आप देख लीजिए मोहम्मद शमी है, उनके बाद इतने इमर्जिंग और बढ़िया प्लेयर्स उनके जो फेमस प्लेयर्स नहीं है, एक ये भी रीजन हो सकता है। और दूसरा राशिद खान भी बड़ा नाम है पूरे ग्लोब में, वो क्रिकेट खेल के बिल्कुल, मैंने जैसा कि आपको बताया ना, फोर्ब्स जब ये लिस्ट तैयार करता है तो 2 या 3 साल के बेसिस पे नहीं करता, 4 या 5 साल के बेसिस पे नहीं करता, वो शुरुआत से 10 से 11 सालों के बेसिस पे सब ये तैयार करके उठाता है। बात करें लखनऊ की तो लखनऊ की ब्रांड वैल्यू इस टाइम 1.75 अरब के आसपास है, तो बेहतरीन अभी अभी ये टीम आई है और अभी अभी 4th स्थान पर इन्होंने पोजीशन ले ली है। वही अगर आपने जो बात उठाई थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, एक इसका भी फर्क ये पड़ता है कि आपके पास चाहे कितना से कितना बड़ा वैल्यूड क्रिकेटर हो, चाहे जैसे विराट कोहली हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आपकी टीम फिर भी एक भी टाइटल या ट्रॉफी नहीं जीत पाई। वो परफॉर्मेंस वाला फैक्टर आरसीबी के साथ, वो परफॉर्मेंस वाला फैक्टर है जो फैक्टर रहा है कि आरसीबी, लेकिन मैं एक बात कहूं, लेकिन एक मुझे इतनी तो उम्मीद थी कि एक नई टीम आरसीबी को आके टेक ओवर नहीं कर पाएगी, इतनी मुझे आरसीबी से उम्मीद है। बिल्कुल यही बात आ जाती है। देखिए आप अगर देख रहे हैं आपके पास आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपकी नेटवर्क, इतनी मार्केटिंग, मुझे नहीं लगता कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की लखनऊ सुपर जायंट्स से खराब होगी। फिर भी इस बात से मैं बिल्कुल ओम के साथ सहमत हूँ कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी को भी पीछे छोड़ दिया, क्यों, जबकि आरसीबी की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है। आप देखिए जब आरसीबी टीम बस में आती है प्रैक्टिस करने, तब भी उनका क्राउड साथ में आता है, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, फिर भी लखनऊ सुपर जायंट ने पीछे छोड़ा। तो चलिए अब तक बात हो गई शुरुआती टीमों की, टॉप 5 टीमों की बात हो गई है, हमने दिल्ली की भी बात कर ली, हमने आरसीबी के भी फैक्टर्स जान लिए कि उनकी वैल्यू कम क्यों है, लेकिन अगली टीम जो सबसे पहला सीजन जीती थी, मुझे याद है वो फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट था राजस्थान रॉयल्स का, और सबसे पहले ही सीजन में 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने टाइटल जीता था इस आईपीएल का, लेकिन उनकी वैल्यू ओवर द इयर्स कहीं ना कहीं कम हो गई है, और राजस्थान अगर हम इस लिस्ट में बात करें तो लगभग बहुत नीचे आ चुकी है। बिल्कुल ये काफी शॉकिंग था कि राजस्थान की टीम इतनी नीचे आना, क्योंकि पहला सीजन जीता था इन्होंने और इनके पास अब नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले तक इनके पास शिल्पा शेट्टी जैसा नाम था। तो जब आपके पास एक बॉलीवुड स्टार होता है तो आपकी टीम जो है वो ऑटोमेटिकली फेमस हो जाती है। बिल्कुल, वो जो फैक्टर हमने केकेआर के साथ देखा, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने फैक्टर केकेआर के साथ देखा, वो ऑटोमेटिकली आपकी टीम फेमस हो जाती है, आपको प्रमोशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन उसके बावजूद भी इतने इसका नीचे होना, लेकिन अब टीम के अगर परफॉर्मेंस पे देखें तो पिछले 14 सीजन खराब ही रहा है, ये सीजन में टेबल टॉपर है। मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि ये एक रीजन है, मैं ये बात बोलने वाला था, पहले सीजन के बाद लगातार उनका कंटिन्यू चलते ही रहा है, एकदम डाउनफॉल रहा है राजस्थान का, तो ये यहाँ पर आना इसका इतना नीचे, ये थोड़ा सा लाजमी था। और इसी वजह से, क्योंकि इस बार इनकी वैल्यू महज 1 अरब डॉलर की ही रह गई है फोर्ब्स के लिस्ट के अनुसार। और अगर राजस्थान से आगे चले तो हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद जो पहले डेक्कन चार्जर्स के नाम से उधर से जानी जाती थी, लेकिन उसके बाद नाम चेंज हुआ, फ्रेंचाइजी चेंज हुई, जर्सी, पूरी टीम नई बनी, लेकिन कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस नहीं निकल पाई। डेविड वॉर्नर के वक्त में परफॉर्मेंस आती थी, लेकिन इस वक्त देखें इस सीजन भी अच्छी है, लेकिन बीच में परफॉर्मेंस गई, लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं किया, और इस फोर्ब्स की लिस्ट में भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। महज 97 करोड़ की वैल्यूएशन है, 97 करोड़ डॉलर्स की वैल्यूएशन है सनराइजर्स हैदराबाद की। बिल्कुल, मैं यहाँ पे इसका इतने नीचे होने का एक रीजन ये बताऊंगा, जो हमने फैन से कनेक्ट करने की बात की थी, जो चेन्नई इतना अच्छा करती है, जो मुंबई इतना अच्छा करती है, जो इनफैक्ट केकेआर भी अच्छा इतना कर रही है, जो यहाँ पर हम हैदराबाद से हम देखते नहीं कि वो फैन से इतना कनेक्ट कर पाए, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी इतना ये फैन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और मतलब जो एक होता है ना कि फैन के इमोशंस के साथ क्लिक होकर रखना, कि आप चेन्नई की हमने बात करी है, चेन्नई की आप इनके स्टेडियम्स में आप इनके प्रैक्टिस सेशन के लिए इतने फैंस आते हैं, तो चाहे इनके चेन्नई के जो फैन बेस है, मुंबई का जो फैन बेस है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड फैन बेस नहीं है इनका, ये टीम का फैन बेस है, तो ये एक रीजन मेरे को लगता है जो इतना नीचे इनका। बिल्कुल, आप वैसे चेन्नई और मुंबई की बात करें तो परफॉर्मेंस तो जरूर है, सबसे ज्यादा टाइटल्स है दोनों टीमों के पास मिला के, और 9 टाइटल्स अकेले हैं यहाँ पे। दूसरों हैदराबाद के बाद एक और टीम आ जाती है पंजाब की, इन्होंने भी अपनी फ्रेंचाइजी बदली है, फ्रेंचाइजी का नाम बदला है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं बदली है टीम की, और क्या यही वजह है कि इस इवैल्यूएशन में जो पंजाब किंग्स की वैल्यू है वो महज 92 करोड़ डॉलर्स की ही रह गई। बिल्कुल, एक मेन फैक्टर, मेन रीजन यही आता है कि पंजाब के पास भी टाइटल नहीं है, एक भी ट्रॉफी नहीं है आईपीएल की, और जैसा कि उन्होंने बोला था सेलिब्रिटी स्टेटस थोड़ा मैटर करता है, वो भी इस टाइम पे मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीति जिंटा वैसे तो ओनर है उनकी, लेकिन फिर भी ये टीम फोर्ब्स की लिस्ट में ऊपर नहीं बढ़ पाई और सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ गई है, गुजरात टाइटंस से पहले है, खैर गुजरात टाइटंस आखिरी पर है,